दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर शूर्पणखा कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्रीराम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने लंका छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु को रावण की माता को किसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खर दूषण त्रिशिरा नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वह दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सबकी मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्यापति श्रीराम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती हैं। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहां का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहां पर न तो कोई कार्य हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहां अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके 8 के सऊदी अरब देश पहुंचते हैं, जहां के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस फल आदि खाते थे, जिसके कारण सभी लोग आपस में मारकाट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहला खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका, और दूसरा स्त्री। इनके यहां स्त्री किसी की पत्नी नहीं, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां, पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं। वह सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, भला उसकी बात क्यों नहीं मानते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, वह हमेशा अपना मुख ढक कर रखती थी। हालांकि वह सुंदर भी थी और साथ साथ माया भी जानती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे, मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाओ और स्त्री देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दिया। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। थोड़े दिनों में उधर से वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। वह व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी, वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है, उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है। वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर रखा था। उसे मालूम था ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति देने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने इस विवाह की अनुमति दे दिया। मुखिया आदम से शर्त रखी, जिसमें शर्त थी शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अयोध्या पति श्री राम, किष्किंधा पति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। शूर्पणखा को अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ा तो लंका, किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज्य शूर्पणखा को देनी होगी
इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद दोनों का काबिले के रस्म रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने पत्नी का घूंघट हटाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो 10 कदम पीछे हट गया, और जब उसने रो रो कर अपनी कहानी बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो गई और उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी सूर्पनखा का भेद किसी को नहीं बताया कि पत्नी की नाक कटी है। अगर सबके सामने आ जाती तो लोगों में बदनामी होती, इसलिए पत्नी को हव्वा नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अतिरिक्त जो कोई भी हव्वा का चेहरा देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह हवा उड़ाने में शुक्राचार्य का भी पूरा साथ रहा, और इस तरह से हजारों सालों में कई सारे संप्रदाय जो एक दूसरे में से निकलते रहे वह सभी आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हीं आदम और हव्वा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख मानी और अब तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हव्वा अर्थात सूर्पणखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती है, आज भी इनका विवाह एक करार, एक समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए मेहर अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम का जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो मेहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह सूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई थी। आदम नामक व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, सूर्पणखा उससे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हुई थी। नाक कट्टी है यह छिपाने के लिए हिजाब डालने की परंपरा शुरू की थी। अगर ध्यान दें तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का सूर्पणखा के वंशज होने वाली यह बात हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं। अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि सूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही यह सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे इसी तरह यही चीजें जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वैसे मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली यह सारी बातें क्या सच हो सकती हैं, या फिर यह सब एकमात्र कल्पना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।